हेलो दोस्तों, मैं संतोष स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल रगर वीडियो में। बहुत ही खूबसूरत सुबह है, उगता हुआ सूरज मुझे हमेशा से प्रेरित करता है। हम सबके जीवन में ये एक नई ऊर्जा लेकर आता है। आज का सूरज भी कुछ खास है। सुबह हुई है और हम पहुंच चुके हैं कोटा। कोटा में हमने अभिजीत का एडमिशन कराया। उसके बाद बारिश का मौसम है, कुछ देखने लायक जो चीज़ें हैं, दर्शनीय स्थल हमने घूमे। उनमें सबसे जो ज़्यादा पसंद मुझे आया वो था करई के बालाजी। तो आप भी हमारे साथ बने रहें और देखें कि करई के बालाजी में क्या है और क्या चमत्कारिक उसके गुण हैं। करई के बालाजी चंबल नदी के किनारे बसे हुए हैं। शुरू में मुझे ये तराई के बालाजी समझ में आए, लेकिन बाद में जब मैंने गूगल किया तो पता चला करई का मतलब होता है नदी का किनारा। चूंकि यह मंदिर नदी के किनारे बसा हुआ है, इसलिए इसे करई के बालाजी के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर भगवान हनुमान को समर्पित है और यहाँ की जो प्रतिमा है वो बहुत ही चमत्कारिक है। बड़े बड़े चमत्कार यहाँ होते हैं। हर तरह के जो विघ्न बाधाएँ हैं वो दूर होती है। यहाँ आने से आपकी संकट आपदाएँ सारी मिट जाती हैं। खासकर बच्चे जो यहाँ पढ़ रहे हैं, उनके जीवन में स्थिरता लाने के लिए, एकाग्रता लाने के लिए यहाँ आना मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ हमने देखा कि बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं जो यहाँ पढ़ रहे हैं। वो बच्चे पढ़ाई के स्ट्रेस को कुछ कम करने के लिए आ सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत नदी के किनारे बना हुआ ये मंदिर है। नदी का शांत पानी हिलोरे ले रहा है और एक तरफ मधुर ध्वनि में जो भजन है भगवान की वो बज रहे हैं। जो यहाँ भगवान हनुमान की बहुत सुंदर प्रतिमा है, इसी के साथ साथ पास में एक शिवलिंग बना हुआ है और एक पहाड़ी को छोटी सी पहाड़ी गुफा सी बनी है जिसके अंदर एक शिवलिंग और बना हुआ है जहाँ पानी टपकता रहता है। हम जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से दृश्य था वो और भी सुहावना हो गया था, बेहद सुहावना था। पानी, बहता हुआ पानी और उसके पास मधुर ध्वनि में बसते हुए इस तरह के भक्तिमय संगीतमय भजन हमें पूरी तरह से भगवान की तरफ मोड़ देते हैं। बच्चों के पढ़ाई का जो स्ट्रेस है वो यहाँ आकर प्राकृतिक वातावरण में आकर बहुत कम हो जाता होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। मैंने अभिजीत और अनुराग को बोल दिया है कि जब भी आपका मन करे, पढ़ाई में थोड़ी भी परेशानी हो, आप यहाँ आएं। और वास्तव में मैंने सुना है कि यहाँ आने पर बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। भगवान हर एक की इच्छा की पूर्ति करता है और जो भी बच्चा यहाँ आ जाता है वो सक्सेस ज़रूर होता है। करई के बालाजी के बारे में मुझे निर्मल ने बताया था कि जब भी उसका मन पढ़ाई से उछट जाता या कभी वो स्ट्रेस फील करता तो वो इस मंदिर में आता और यहाँ आने पर उसे बहुत अच्छा महसूस होता और यहाँ एक नई ऊर्जा, नई एनर्जी लेकर वो फिर अपनी पढ़ाई में लग जाता। तो पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये मंदिर एक वरदान से कम नहीं है। जब जो भी बच्चे कोटा में पढ़ रहे हैं उनसे फिर कहना चाहूँगी कि आप जब भी पढ़ाई में स्ट्रेस महसूस करें, तनाव महसूस हो, आपको किसी तरह का दबाव हो, तो आप यहाँ एक बार ज़रूर आएँ और भगवान हनुमान को अपने सारे तनाव समर्पित कर दें और यहाँ से एक नई ऊर्जा लेकर जाएँ ताकि आप अपने काम को और अच्छे ढंग से कर सकें। तो मैं चलती हूँ अब और आपको छोड़ चलती हूँ सुंदर नज़ारों के साथ जो करई के बालाजी के मंदिर में आपको दिखाई देंगे। तो बने रहें इन नज़ारों के साथ। मिलते हैं किसी अन्य ब्लॉग में, अन्य वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।